चलिए आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। क्योंकि कल शनिवार है और उपाय करने के लिए शनिवार बहुत शुभ दिन होता है, इसलिए आज मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो आपको कल करने हैं। क्या आपकी नौकरी या कारोबार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है? कल शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे चार मुख वाला दीपक जलाने से धन यश वैभव मिलता है। इसमें दो लौंग जरूर डाल लीजिएगा, इससे आपके हर काम में वृद्धि होती है। कारोबार करने वाले लोग क्या करें, ये उपाय करें, आप सब कर सकते हैं। जो भी लोग बिजनेस करते हैं इस उपाय को कर सकते हैं। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या घर से बीमारी नहीं जा रही है? एक के बाद एक इंसान बीमार पड़ता है, बहुत दिक्कत हो गई है, कोई ना कोई बीमार ही रहता है। एक गोमती चक्र लें, हांडी में पिरोकर बीमार जो इंसान सबसे ज्यादा है उसके पलंग के पाए में बांधने से हैरान करने वाले नतीजे मिलते हैं। उस दिन से बीमारी खत्म होना शुरू कर देती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। आज का तीसरा महा उपाय जानते हैं। क्या शनिदेव की कृपा चाहते हैं? शनिवार के दिन किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने किसी गरीब को दान देने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेती हूँ। क्या किसी जरूरी काम में सफलता चाहते हैं? कल शनिवार के दिन काले डॉग्स को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के प्रसन्न होने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शनिवार के दिन काले कपड़े धारण करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उस दिन होने वाले काम में सफलता मिलती है। अब आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय जान लेते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही? किसी शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग हो, शाम को अपनी लंबाई के बराबर रेड रेशमी धागा लेकर एक पत्ता बरगद का तोड़ें, साफ जल से धोकर पोंछ लें। पत्ते पर अपनी कामना का नापा हुआ जो धागा है ये लपेट कर पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है।